पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन दुनिया जब हम बाहर कंट्री किसी कंट्री में जाते हैं तो हम अपना उस किस्म का एतमाद नहीं, हम हमारा एतमाद नहीं करती दुनिया के, ये पाकिस्तानी है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। इंडिया ही है जो जिसपे अब पूरी जो कंट्री है, जितनी भी ममालिक हैं वो इंडिया पे भी ट्रस्ट कर रही हैं, और हमारे पे भी वो इतना नहीं है कि ट्रस्ट किया जाए हम पे। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम का सुपर पावर बनने जा रहा है? ये जो हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, अभी इंटेल अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी शिफ्ट हो गई इंडिया के अंदर, आईफोन टोटली चाइना को छोड़कर इंडिया आ गया, शिफ्ट हो गया। आपको नहीं लगता कि इतना सब कुछ, आईफोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत वैल्यू रखती है, इंडिया ने सिर्फ एक महीने के अंदर आईफोन एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज को $1 बिलियन कमा लिए थे, क्या समझते हो आप इंडिया इस तरह से तरक्की करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा तो पाकिस्तान को थोड़ा सिक्योर होने की जरूरत है या नहीं? लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सेक्टर के अंदर मौजूदा टाइम के अंदर इंडिया को बीट कर पा रहा है या कर पाएगा? अभी तो नहीं कर पा रहा, लेकिन होप्स हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों को हो रही है चिंता कि कोई भी देश उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, या तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती है, वो पाकिस्तान में ना आकर इंडिया में जाना पसंद करती है, यहाँ तक कि चाइना की कंपनियाँ भी जो चाइना छोड़ छोड़ के इंडिया जा रही है तो पाकिस्तानियों को चिंता होने लगी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानियों के रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर लॉकडाउन है, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया आने वाले टाइम का सुपर पावर बनने जा रहा है? माइट पॉसिबल कि एक टाइम पे आएगा इंडिया कहते हैं ग्रोअप करेगा और एक पीक पे जाएगा, लेकिन अभी ये है कि चाइना का एक बाकी भी बिजनेसेस हैं उसके, लेकिन अभी उन ये नहीं कह सकते कि चाइना इंडिया जो है वो चाइना से ऊपर आ जाएगा, लेकिन अभी ये है कि चाइना ने अपनी जगह बनाई हुई है तो इंडिया को ऊपर आने के लिए अभी टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन एक पीक पे आएगा वो ज़रूर, लेकिन उसके बाद ये है कि वो फिर से डाउनफॉल पे जाएगा, क्योंकि बिज़नेस में अपवर्ड और डाउनफॉल आता ही आता है। मतलब आपको लग रहा है कि अभी भी चाइना ही है सुपर पावर मतलब एशिया का? सही, जब हम देखते हैं कि ये जो सा हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है, अभी इंटेल अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी शिफ्ट हो गई इंडिया के अंदर, आईफोन टोटली चाइना को छोड़कर इंडिया आ गया, शिफ्ट हो गया। आपको नहीं लगता कि इतना सब कुछ, आईफोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत वैल्यू रखती है, इंडिया ने सिर्फ एक महीने के अंदर आईफोन एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज को $1 बिलियन कमा लिए थे, क्या समझते हो आपके इंडिया इस तरह से तरक्की करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा तो पाकिस्तान को थोड़ा सिक्योर होने की ज़रूरत है या नहीं? पाकिस्तान में अभी बेसिकली वो यही बात है कि अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसके अंदर पाकिस्तान में ना, तो उसकी वजह से कहते हैं ये है कि अभी टाइम लगेगा पाकिस्तान को बिज़नेस में अभी ग्रो अप करने के लिए। इंडिया में ये है कि अभी आपको मैं वैसे ही बताया आपको कि अभी वो चढ़ेगा अभी, यानी कि अभी जाएगा पीक पे जाता रहेगा और अपनी ग्रो करता रहेगा, लेकिन एक वक्त पे आएगा कि पाकिस्तान में भी बिज़नेस आएंगे। अभी बेसिकली भी कहते हैं काफ़ी कंपनीज आ रही हैं जो बाहर से पाकिस्तान में आ रही हैं और अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन अभी ये है कि ऐसे ऐसा होगा क्योंकि गवर्नमेंट की इस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में भी बिज़नेस इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सेक्टर के अंदर मौजूदा टाइम के अंदर इंडिया को बीट कर पा रहा है या कर पाएगा? अभी तो नहीं कर पा रहा, लेकिन होप्स हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट जो भी है वो एक स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि स्टेबल होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस को रन करने के लिए। तो इंडिया की विल पावर क्या है, क्या चीज़ उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रही है? बहुत सी चीज़ें हैं उसकी बिजनेस से हट के और भी है, गेम्स वगैरह भी उनकी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी इतनी नहीं है, हमारी सिर्फ बेसिक्स में ही है काफ़ी ज़्यादा, कि क्रिकेट्स में हो गया और दो तीन चीज़ें हो गई बस, बाकी उनकी जो है वो हर चीज़ में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी हो गया उनकी, एक बिज़नेस में भी हो गया उनके, और बाकी चीज़ें भी हैं जिसमें वो अपने बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। दुनिया सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करती है, पाकिस्तान पे या इंडिया पे? इस कुछ नहीं कह सकता, कहना पड़ेगा आपको, ये मेरा भाई फैक्ट वाला चैनल है, सच सच चलता है इस पर, वो नहीं चलता जज्बाती तौर पर कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं झूठ बोलूँगा, पाकिस्तान का नाम नहीं लूँगा, वो नहीं, वो इशू नहीं है, लेकिन ये कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान पे या इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि दुनिया इस मौजूदा टाइम के अंदर किस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया भी है बेसिकली, इंडिया ही है बेसिकली, लेकिन अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन दुनिया जब हम बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो हम अपना उस किस्म का एतमाद नहीं, हमारा एतमाद नहीं करती दुनिया के, ये पाकिस्तानी है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है,
ये चाइना की चीज़ें लेकर भी चाइना की चीज़ चले तो रात तक ये वाला सीन है। क्या कहते हैं इसमें तो मेरे पास कोई इस तरह कोई बेसिक आंसर नहीं है, लेकिन यही कहता हूँ कि अब इंडिया ही है जो जिसपे अब पूरी जो कंट्री है जितनी भी ममालिक हैं वो इंडिया पे ये भी ट्रस्ट कर रही हैं और हमारे पे भी वो इतना नहीं है कि ट्रस्ट किया जाए हम पे। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया, यही है। 5G लॉन्च कर लिया इंडिया ने। 5G तो भी बेसिकली अमेरिका में भी इतना चल रहा है और चाइना भी चल रहा है अभी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने कर लिया है। कह सकते हैं कि बहुत सारी में, लेकिन इंडिया में भी इतनी नहीं है जितनी हमारे भी नहीं है। हमारी 4G चलते बड़ी बात है। इंडिया में 5G लॉन्च ऑफिशियली लॉन्च हो गया, लेकिन अभी बहुत कम जगह पे 14 सिटीज़ के अंदर, 13 से 14 सिटीज़ के अंदर चल रहा है। क्योंकि हमारे रिसर्च के मुताबिक अभी तो इतना वो फायदा भी नहीं है जो जहाँ पे चल भी रहा है। तो इंडिया पे, हाँ इंडिया की बात करूँ, इंडिया की भी बात कर रहा हूँ और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हमें पता है कि हमने 5G के जो जितने भी नेटवर्क्स हैं यहाँ पे और जो आना चाहते हैं लेकिन अभी आ नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे 4G नहीं चल पा रहा ना 3G आता है, तो 5G चले तो फिर अल्लाह के भरोसे ही अभी कहते हैं जहाँ फिश्ते चला रहे हो बैठ के। फिर कौन सी चीज़ है, पहले भी क्वेश्चन पूछा था दोबारा पूछूँगा, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बना रही है? रिलेशंस हैं जो इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ बना रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है, रशिया के साथ है उनका काफ़ी ज़्यादा और अमेरिका के साथ। हमारे इस्लाम कहता है कि हमेशा आपके जानों से ज़्यादा हक आपके हमसाया आप पर रखता है, तो कहीं इंडिया ने ये बात सुन तो नहीं ली, कहीं उनको पता तो नहीं लगी कि भाई हमसायों के साथ अच्छे तलुकात आपको दुनिया में भी कामयाबी, चलो वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते लेकिन दुनिया में कामयाबी ज़रूर मिल गई उनको हमसायों के साथ रिलेशन अच्छा रख के। आपको नहीं लगता कि अब टाइम आ गया कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए? सुलह तो वैसे हमारी कौन सी दुश्मनी चल रही है, लेकिन कहते हैं वो यही बात है कि पॉलिटिक्स का एक गेम है जो चल रही है अभी। अगर कोई गेम, ये बस पॉलिटिक्स ही गेम है, मैं इतना ही कहता हूँ आपको और उसके आगे तो मैं कुछ नहीं कहता, वरना मेरे घर तो ब्लैक भी हो आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के लोगों को चिंता होगी, भाई यार कोई भी कंपनी इंडिया में क्यों जा रही है यार, हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही है? अरे पाकिस्तान को छोड़ो भाई, ये लोग चाइना भी नहीं जा रहे हैं, इंडिया ने ऐसा क्या जादू कर दिया है? और क्या बात है कि सभी देश इंडिया के ऊपर भरोसा करते हैं, हम पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? तो इस बात की रिएक्शन आपने देखे, तो आपका इसके बारे में क्या राय है कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती भाई? इवन इंडियन क्रिकेट टीम ने भी जाने से मना कर दिया कि हमें पाकिस्तानी पर भरोसा नहीं है, कब कौन बम फोड़ दे, कौन इस्लाम के नाम पे किसको जला दे। तो इस वजह से जो भी कंपनी यहाँ पे आने से इग्नोर करती है, तो आपकी क्या राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।